हेलो दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो ओ लेवल में इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग का एग्ज़ाम दिए हैं और उनकी आंसर की मैंने निकाल ली है, जो आपको मैं बता देता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो पार्ट वन का जो सलूशन था, मैंने इसमें सर्च करके निकाल लिया है, जो कि मैं बता देता हूँ आपको। जो पहला क्वेश्चन था अर्पानेट स्टैंड पर, उसमें का पहला सही है। और जो दूसरा क्वेश्चन था, उसमें का डी नंबर ट्रांसपोर्ट लेयर सही है। अगला, राउटर ऑपरेट व्हिच लेयर, ये किसमें होता है, तो वो नेटवर्क है, इसमें सही। अगला क्वेश्चन, प्रो कंट्रोल इज अ परफॉर्मेड व्हिच ऑफ द फ्लाविंग लेयर, तो इसमें नन ऑफ दीज, जबकि इसमें होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें है नहीं, इसलिए नन ऑफ द ऑप्शन होगा इसमें। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए टैग इन एचटीएमएल यूज फॉर, मतलब जो ए टैग हो किसके लिए यूज किया जाता है, तो लिंक्स के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हुज टोपोलॉजी इज टू FDDI, ये जो टोपोलॉजी है किस FDDI मतलब किस में यूज की जाती है, तो वह है डबल रिंग टोपोलॉजी। और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लाविंग इज आर स्पेशल एड्रेस, तो इसमें से सारे स्पेशल एड्रेस होते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कनेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन सर्विस एट आ नेटवर्क लेयर ऑन ओएसआई मॉडल कॉल्ड, उसे हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ISDN PRI के पास कितने चैनल हैं, यानी कि होते हैं, इसमें मैंने 24 पे क्लिक किया है, यानी ये सही है इसमें। और अगला है, द साइज ऑफ ATM सेल इन, ये ATM उससे रिलेटेड नहीं है फ्रेंड्स, जो आप कह सकते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वो नहीं है। ये जो इंटरनेट का पार्ट है, उसमें अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, इसमें सही है जो 53 यानी बी नंबर सही है। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड पार्ट की, जो हमारा ट्रू फॉल्स का है। तो इसमें जो पहला है, द करेक्ट वे टू मेक आ ईमेल लिंक्स इन HTML, जो मतलब कि HTML में लिंक बनाने के लिए जो यूज किया जाता है, वो कौन सा टैग होता है। तो फ्रेंड्स, ये इसमें से फाल्स है, ये गलत है, ये सही नहीं है। इन फॉरवर्डेड ऑफ वेव द ऑप्शन द फाइबर केबल लाइट वेव ट्रांसमिशन, ये इसमें सही है। ATM यूज द अनिसम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड इनकोडिंग, ये क्वेश्चन आपका सही है। HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, फ्रेंड्स ये भी सही है, क्योंकि जो HTTP हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वो स्टेटलेस है। ब्रिज डू नॉट फॉरवर्ड लाइन ब्रॉडकास्ट एट आल, मतलब जो ब्रिज होता है, जो हमारा एक ब्रिज होता है, वो जो लाइन को होता है, वो ब्रॉडकास्ट में नहीं फॉरवर्ड करता है, इसलिए ये फॉल्स हो गया है। सब नेट मास्क इज अ मेड ऑफ सेटिंग नेटवर्क विथ आल ऑफ जीरो एंड सेटिंग होस्ट, ये क्वेश्चन फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग HTML यू कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड टैग, मतलब जो HTML है उसमें आप यूजर डिफाइंड टैग भी यूज कर सकते थे, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब कुछ जो HTML का वर्जन नया है 5, इसमें पॉसिबल है। ISDN, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। HTML केस सेंसिटिव है, यानी कि आप HTML में चाहे कैपिटल स्मॉल दोनों लिख सकते हैं, इसलिए केस सेंसिटिव है, इसलिए इसमें गलत कहा गया है। अगला है, HRF स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ये क्वेश्चन आपका सही है। अब अगले हम बात करते हैं, जो हमारा है वो मैचिंग का है। पहला है, जो हमारा रिप्रेजेंटेड इन द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, उसमें का ई सही है। मैंने यहाँ पर रेड कलर से बता दिया है इसमें से कौन सा सही ई है इसका। और ये करेक्टर स्टॉपिंग का के है, यूरी इन नोड इज अ कनेक्टेड टू वेरी द नोड एल, आप इसमें से सारे देख सकते हैं, आप इसमें से मैच कर सकते हैं। और अपनी जो आंसर जो आपने क्वेश्चन पेपर किया होगा, उसमें अगर आप टिक लगाएंगे तो उसमें से मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किया और कितने गलत किया। और अगला पार्ट जो हमारा है, वो फिलिंग इन द ब्लैंक का है, फिल इन द ब्लैंक का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट यूज द नेटवर्किंग मॉडल, जिसमें का जी मैंने यहाँ पर लिखा है, जी सही है इसमें का। दूसरा, एड्रेस इज द यूज टू ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें पोर्ट सही है। इसी तरह आप जिसमें रेड रेड मैंने फिल कर रखा है, ये सारे इसकी सही आंसर हैं, तो आप उसमें से मैच करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये आंसर की किसी और के पास भेजना, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। मैं आपको आंसर की के साथ मिलता है, यानी कि जो अगला पेपर हमारा है वो उसका है, सी लैंग्वेज का। मैं उसकी आंसर कीज के साथ आपको नेक्स्ट दिन मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। ओके फ्रेंड, बाय बाय।